हेलो फ्रेंड्स, ये एक प्रेशर वॉशर है जिसका यूज हम कार वॉश के लिए, बाइक वॉश या फिर घर का जो फ्लोर होता है उसको वॉश करने के लिए यूज में लेते हैं। फ्रेंड्स, ये अमेरिकन माइक्रोनिक कंपनी का प्रेशर वॉशर है। इसका मैक्सिमम प्रेशर जो है फ्रेंड्स वो है 120 बार, यानी कि 1750 से 1700 PSI का इसका प्रेशर है। और अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमको प्रेशर वॉशर के साथ साथ इसमें हमको क्या क्या मिल जाता है। फ्रेंड्स, हमको बॉक्स के अंदर ये सब सामान मिल जाता है। ये है फ्रेंड्स इसका वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल को देख करके फ्रेंड्स हम इसको टोटली असेंबल कर पाएंगे। और ये फ्रेंड्स इसमें साथ में दो स्क्रू दिए हुए हैं, जब हम इसको असेंबल करेंगे तब दिखाएंगे कि हम इसको कहाँ यूज करना है। और ये फ्रेंड्स इसका हैंडल प्रेशर वॉशर का, और ये गन है फ्रेंड्स, और ये फिल्टर है फ्रेंड्स, ये इनलेट का फिल्टर है जो कि पानी में जो गंदगी है वो प्रेशर वॉशर के अंदर ना जाए। अगर गंदगी जाएगी तो ये खराब हो जाएगा, उसके लिए फिल्टर दिए हुए फ्रेंड्स। और ये वाला भी इनलेट का ही फिल्टर है फ्रेंड्स, और ये अडेप्टर है जहां इनलेट पाइप टाइट होगी। और ये फ्रेंड्स एडजस्टेबल नोजल है जो प्रेशर को एडजस्ट करेगी। ये देखिए, सामने से घुमाएंगे तो इसको प्रेशर को एडजस्ट कर पाएंगे इससे। और ये प्रेशर नोजल है फ्रेंड्स एक, और ये एक्सटेंशन है। और ये वाला फ्रेंड्स इसका फोम कैन है, यानी कि जब हम इसको शैम्पू वगैरह डाल के वॉश करना चाहे कार को या बाइक को, तो इसके अंदर शैम्पू डालेंगे, यहां से खोल करके इसमें शैम्पू डाल लेंगे और फिर इसको कनेक्ट करके इसको हम वॉश कर पाएंगे फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स इसका इनलेट पाइप, और ये वाला फ्रेंड्स आउटलेट पाइप। प्रेशर वॉशर के सामने की तरफ देखें तो अमेरिकन माइक्रोनिक कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, इधर ऑन है और इधर ऑफ है। ये आउटलेट है फ्रेंड्स, पानी का जो आउटलेट इधर है, यानी कि इधर से पानी आउट होगा, और बैक साइड में इसका इनलेट है फ्रेंड्स, ये वाला इनलेट है। और जो प्रेशर वॉशर है फ्रेंड्स उसकी इनपुट पावर फ्रेंड्स 220 वोल्ट AC और 1500 वाट का फ्रेंड्स, ये जो प्रेशर वॉशर है 1500 वाट का है। और साथ में फ्रेंड्स जो इसकी केबल है वो 15 फीट केबल दी गई है, ये 3 पिन टॉप के साथ। और अब फ्रेंड्स हम इस प्रेशर वॉशर को आपको असेंबल करके दिखाते हैं। हैंडल को कनेक्ट करेंगे, ये इसका हैंडल है, और यहाँ ये ग्रुप बने हुए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से यहाँ एडजस्ट कर देंगे। यहाँ ये एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमको ये दो साथ में जो स्क्रू मिले थे इसको यहां से बाहर निकाल लेते हैं। ये स्क्रू बाहर निकाल लिए, और जो स्क्रू है फ्रेंड्स वो इधर कनेक्ट हो जाएंगे यहां। ये दोनों स्क्रू दोनों साइड हम इसको टाइट कर देंगे। ये हैंडल कनेक्ट कर, इसमें इनलेट पाइप कनेक्ट करेंगे। इनलेट वाली पाइप ये वाली फ्रेंड्स, पहले हम इसमें इनलेट में फिल्टर लगा देते हैं, इधर से ये फिल्टर कनेक्ट कर दिया। और दूसरी साइड में फ्रेंड्स हम इसके ये वाला अडेप्टर कनेक्ट करेंगे। तो अडेप्टर कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स इसको हम लूज करेंगे, और ये जो पाइप है इसको आसानी से इधर पुश करने के बाद इसको टाइट कर देंगे। ये इधर कनेक्ट हो गया है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला फिल्टर लेंगे, जो ट्रांसपेरेंट फिल्टर है वो वाला ले लेंगे। उसको प्रेशर वॉशर के इनलेट में कनेक्ट करेंगे। ये वाला इनलेट है इसका, यहां पे और ये वाला जो अडेप्टर है फ्रेंड्स इसको अंदर पुश करते हैं। ये देखिए, ये लॉक हो गया। अगर निकालना है तो पीछे खींच करके इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ये पीछे खींचने से निकलेगा और डायरेक्ट इसमें अंदर लॉक हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमने इनलेट कनेक्ट कर दिया है, और अब करेंगे फ्रेंड्स इसमें आउटलेट पाइप कनेक्ट करेंगे। आउटलेट पाइप का एक एंड को फ्रेंड्स ये प्रेशर वॉशर के आउटलेट इधर इसको
अंदर पुश कर देंगे तो ये लॉक हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये निकालना है तो ये जो स्विच है फ्रेंड्स इसको इधर पुश करेंगे इधर से और इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये इधर पुश कर दिया, ये आउटलेट पाइप कनेक्ट हो गई है और इसके बाद हम इसमें गन कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये वाली गन है फ्रेंड्स, गन के ये वाला इसका इनलेट है फ्रेंड्स गन का, इसको हम आसानी से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए लॉक हो गया, अगर निकालना है तो ये जो स्विच है फ्रेंड्स इसको पुश करेंगे और बाहर निकल जाएगा, तो ये लॉक हो गया फ्रेंड्स अंदर आउटलेट पाइप। और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें एक्सटेंशन लगाते हैं इसकी, ये वाली इसको लगाना बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसमें एक ग्रुप है और इधर ये वाला दिया फ्रेंड्स, तो ये ग्रुप को अंदर डाल करके इसको ऐसे पुश कर करके घुमा देना फ्रेंड्स, तो ये कनेक्ट हो गई है। और इसके आगे हम नोजल लगाना चाहें तो फ्रेंड्स ये नोजल भी ऐसी लगेगी। नोजल लगाने के लिए ये जो स्विच है इसका इसको पुश करेंगे और आसानी से उसको लगा करके घुमा देंगे फ्रेंड्स, ये नोजल लग गई है, ये गन हमारी रेडी है फ्रेंड्स। जो कैन है उसको लगाना है तो इसको हमको यहाँ से निकाल लेंगे और ये डायरेक्ट गन के ऊपर कनेक्ट होगा फ्रेंड्स इधर, तो ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है इधर से। हम शैम्पू वगैरह या फिर फोम डाल करके इसमें आराम से इसमें वॉश कर पाएंगे। और अगर हमको इसमें एडजस्टेबल नोजल लगानी है फ्रेंड्स तो उसके लिए पहले हम इसमें एक्सटेंशन लगाएंगे, जो हमने ये वाली नोजल कनेक्ट की हुई है तो एक्सटेंशन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये प्रेशर एडजस्टेबल नोजल लग जाएगी फ्रेंड्स, ये लग गई है और इसको घुमा करके हम प्रेशर को एडजस्ट कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रेशर वाशर परचेज करना है यानी कि खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां जाकर के आप इसको आसानी से प्रेशर वाशर को परचेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको इससे कार को वॉश करके दिखाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।